जालौन में जिला अधिकारी प्रियंका निरंजन ने बुंदेलखंड की लोक संस्कृति और लोक धरोहर को संरक्षित करने के उद्देश्य से टाउन हॉल में बुंदेली लोक उत्सव और शासन के निर्देशों पर हर घर तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड की लोक संस्कृति और लोक धरोहर को संरक्षित करने के लिए स्थानीय कलाकारों को और उनकी कला को संरक्षण, प्रोत्साहन और सम्मान प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्थानीय कलाकार अपनी प्रतिभाओं को छुपाएं ना, बल्कि अपनी प्रतिभा को निखारकर एक मंच प्रदान करें। देखिए, आज बुंदेलखंड की लोक संस्कृति को, लोक धरोहर को संरक्षण करने के उद्देश्य से टाउन हॉल सभागार में बुंदेली लोक उत्सव का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे जनपद के स्थानीय कलाकारों को और उनकी कला को संरक्षण और प्रोत्साहन और सम्मान प्रदान किया जाएगा, ताकि उन्हें भी एक मंच मिले अपनी कला के प्रदर्शन का। बता दें कि प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार जिले में हर घर तिरंगा लहराएगा को लेकर टाउन हॉल से इसका शुभारंभ किया गया। जिला अधिकारी ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को एक चैन के तहत एक दूसरे के हाथों में तिरंगा दिया, जिससे तिरंगा यात्रा हर घर पहुंच सके। उन्होंने कहा कि आज से लेकर 15 अगस्त 2022 के तिरंगा यात्रा घर घर जाएगी। इसके अंतर्गत प्रत्येक भारतीय को अपने घर एवं प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित किया जाएगा। बता दें कि ये कार्यक्रम सरकारी अधिकारी और कर्मचारी, शिक्षणगण, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और एनजीओ समेत नागरिक संगठनों के सहयोग से पूरा किया जाएगा। जो शासन की तरफ से हर घर तिरंगा की यात्रा जो प्रारंभ की गई है, उसका भी आज यहाँ शुभारंभ किया गया है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर, 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम हर घर में तिरंगा लहराएंगे और हर घर, हर प्रतिष्ठान, हर स्थान, कोई भी स्थल हो, सभी पर ये तिरंगा हमारे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लहराया जाएगा, ताकि सभी लोग राष्ट्र के प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित कर सकें। ये कार्यक्रम अभी से प्रारंभ हो गया है और यह हमारे 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस तक चलाया जाएगा। बता दें कि सोमवार को जिला अधिकारी प्रियंका निरंजन की अध्यक्षता में शुरू हुई बुंदेली लोक उत्सव संस्कृति एवं महोत्सव में स्थानीय कलाकारों ने बुंदेली लोक संस्कृति के बारे में अपनी प्रस्तुति देते हुए सभी को अपनी ओर आकर्षित किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि बुंदेलखंड की खोई हुई संस्कृति को वापस लाना है। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर पूरे प्रदेश और देश में हर जगह की संस्कृति को जीवित रखने के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस दौरान जिला अधिकारी प्रियंका निरंजन ने प्रतिभा करने वाले बच्चों को सम्मानित भी किया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए जालौन से सौरभ पांडे की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।